हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर चल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं MIC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संबंध में जो फिलहाल आज इसका Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आना था वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी ने जो अपना Q4 का रिजल्ट निकाल के पेश किया है वो पॉजिटिव पेश करते हुए दिखाई देगी या निगेटिव। साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी ने अपना रिजल्ट पेश किया है उसका मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो रिजल्ट निकल के सामने आया है वो जब मार्केट ओपन था उसी समय 2 बजे के आसपास निकल के आता हुआ दिखाई दिया है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल से हम चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ इसके बारे में एक और पॉजिटिव न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दे रही है, और वो न्यूज ये है कि इस कंपनी को रेलवे के थ्रू लगभग 1.5 करोड़ का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो ऑर्डर मिला है वो फिलहाल जो अमृत भारत स्टेशन योजना चलाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें लगभग 1200 से 1300 के बीच में स्टेशनों का रिनोवेशन होना है, उसी के संदर्भ में ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करें हम अगर MIC इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो PDF जारी किया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 21 मई का डेट पड़ा हुआ है, और ये जो मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही है वो फिलहाल 21 तारीख को होती हुई दिखाई दे रही है। और इस मीटिंग में जो ऑडिटेड जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसको ये पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम अगर बात करें इसके फाइनेंशियल रिजल्ट की, तो यहाँ पे चूंकि इस कंपनी ने अपना जो स्टैंड एलोन जो रिजल्ट है वही जारी करते हुए दिखाई दे रही है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है अभी कोई भी इसके पास सब्सिडी होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। जब अगर इसके पास सब्सिडी होती और स्टैंड एलोन डेटा जारी की है उसके बजाय ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी जारी करते हुए दिखाई देती, लेकिन फिलहाल ये जो कंपनी है स्टैंड एलोन जो रिजल्ट है वही जारी करते हुए दिखाई दे रही है। और इसे ही हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और यहाँ पे आप जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है वो फिलहाल इस Q4 का सेगमेंट है, और ये दिसंबर 2023 के Q3 का सेगमेंट है, और ये मार्च 2023 के Q4 का सेगमेंट दिखाई दे रहा है। और इसमें जो भी आप डेटा देख रहे हैं सभी के सभी जो डेटा है वो फिलहाल लाख में दिए गए हैं, जिसे हम लाख में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, अर्थात जिस बिजनेस से ये वास्तविक रेवेन्यू प्राप्त करती है और जो इसका वास्तविक बिजनेस है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो क्वार्टर बीता है Q4 उसमें ये जो कंपनी है टोटल 2296 लाख का कारोबार करते हुए दिखाई दे रही है, रेवेन्यू प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि सेम क्वार्टर अर्थात मार्च 2023 के Q4 में 296 लाख का कारोबार करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें हम क्वार्टर क्वार्टर बेस पे तो 1748 लाख का ये कारोबार यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करते हुए दिखाई दी थी, जो कि दिसंबर 2023 के Q3 में वो फिलहाल बढ़ के 2296 पर पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसके टोटल इनकम की, तो इस Q4 में ये जो कंपनी है टोटल 2382 लाख का इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 373 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें हम क्वार्टर क्वार्टर बेस पे तो दिसंबर 2023 के Q4 में ये फिलहाल 1830 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ साथ जो टोटल इनकम है उसमें न केवल ये ईयर ऑन ईयर बेस पे जबरदस्त वृद्धि दिखाते हुए नजर आ रही है, बल्कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी ये जो कंपनी है जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है। अगर बात कर रहे हैं इसके टोटल एक्सपेंस की, तो चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर कारोबार करती है टोटल इनकम प्राप्त करती है तो उसको प्राप्त करने के लिए कुछ एक्सपेंस भी करते हुए दिखाई देती है। तो इस कंपनी के द्वारा इस क्वार्टर में जो टोटल एक्सपेंस किया गया है वो फिलहाल 1834 लाख का टोटल एक्सपेंस ये करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 130 लाख का एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें हम क्वार्टर क्वार्टर बेस पे तो दिसंबर 2023 के Q4 में ये 1559 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका जो एक्सपेंस है वो भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं कि इसके जो टोटल इनकम में बढ़ोतरी हुई है उसकी तुलना में जो टोटल एक्सपेंस है वो फिलहाल कम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आप आगे देखेंगे कि ये जो कंपनी है वो प्रॉफिट में जाते हुए भी दिखाई जरूर देगी। अगर हम बात करें इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, अर्थात टैक्स देने से पहले जो ये कंपनी प्रॉफिट प्राप्त करी है, जिसमें जो टोटल इनकम होता है उसमें से टोटल एक्सपेंस घटाने के बाद जो भी प्रॉफिट आई है वही वही प्रॉफिट
बिफोर टैक्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस क्वार्टर फोर में ये जो कंपनी है टोटल 548 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर था मार्च 2023 के क्वार्टर फोर में 242 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें हम क्वार्टर क्वार्टर बेस पे तो 271 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसने न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे धमाकेदार प्रदर्शन किया है और इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो दो गुना होता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में दो गुने के आसपास वृद्धि होते हुए देखने को मिल रही है। तो हम यहीं पे अगर बात कर लें इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, जो कि इसका नेट प्रॉफिट होता है और इसे ही नेट प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है और इसे ही इसका वास्तविक प्रॉफिट भी कहा जाता है। और ये जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें जो टोटल इनकम होता है उसमें से टोटल एक्सपेंस के अलावा जो तर खर्चे होते हैं और जो टैक्स होता है उसको घटाने के बाद जो शेष राशि बचती है वही प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इस क्वार्टर फोर में टोटल 459 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 242 लाख का ही प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है 271 लाख का ही प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो ईयर ऑन ईयर बेस पे तो जबरदस्त तरीके से बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, जबकि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी ये कंपनी अपने प्रॉफिट फॉर द पीरियड को जबरदस्त तरीके से बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना जरूरी है और वो ये कि ये जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आपको दिखाई दे रहा है वो फिलहाल इसमें जो 459 लाख का दिखाई दे रहा है उसमें एक क्वेश्चन मार्क निकल के सामने आता है। वो क्वेश्चन मार्क ये है कि ये जो कंपनी अभी हम ऊपर देखे थे जो 548 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करी थी वो आखिर ये 459 लाख का कैसे हो गया। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ये यहाँ पे एक सेगमेंट दिया गया है जिसका नाम है डिफर टैक्स, और ये जो डिफर टैक्स है ये फिलहाल 4410 लाख का ये जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद ये जो इसका प्रॉफिट है वो फिलहाल 4959 लाख का पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और डिफर टैक्स के बारे में आपको बता दूं कि चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर कारोबार करती है तो उसे टैक्स देना पड़ता है और उसे दो टैक्स देना पड़ता है। एक जो टैक्स होता है वो कंपनी टैक्स अर्थात कॉरपोरेट टैक्स होता है और एक जो है इनकम टैक्स हुआ करता है। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के बाद वो डिफरेंस को फिलहाल के लिए डिफर टैक्स के रूप में डाल दिया जाता है, जो कि ये इसके देनदारी के रूप में दिखाई जाती है। और हालांकि ये जो कंपनी है इस टैक्स को जो कि 4410 लाख का आया है इसे आगे चल के जरूर चुकाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए ये प्रॉफिट फॉर द पीरियड में जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं इसके अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका अर्निंग पर शेयर जो दिखाई दे रहा है वो इस क्वार्टर में 2.24 के आसपास दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 0.11 के आसपास था, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल अर्निंग पर शेयर जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि क्वार्टर क्वार्टर बेस पर अगर हम बात करें तो वो भी इसमें भी जबरदस्त तरीके से वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। तो कुल मिला जुलाकर इस रिजल्ट का लबो लुबा बस एक ही है कि इस कंपनी 5 स्टार रिजल्ट पेश किया है, और ये जो 5 स्टार रिजल्ट पेश करते हुए दिखाई दी है उसमें इसने न केवल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बल्कि टोटल इनकम में ये दोनों मिला के क्वार्टर क्वार्टर बेस पे जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है, बल्कि ईयर ऑन ईयर बेस पे भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है अगर हम डिफर्ड टैक्स जो है उसको निकाल दें तो। यहीं पे अगर हम बात करें थोड़ा इसके सेगमेंट वाइज रिवेन्यू की, अर्थात कौन से सेगमेंट से कितना रिवेन्यू प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है और कौन कौन से सेगमेंट में ये कंपनी काम करते हुए दिखाई देती है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मुख्य रूप से 3 सेगमेंट में ये कंपनी काम करते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से पहली जो सेगमेंट है वो LED प्रोडक्ट का सेगमेंट है और यही जो सेगमेंट है इसका मुख्य बिजनेस भी होता हुआ दिखाई देता है। और इसमें आप देख रहे हैं कि न केवल इस कंपनी द्वारा क्वार्टर क्वार्टर बेस पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया गया है और 1671 लाख से ये बढ़ के 2367 लाख पे इसका करता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि ईयर ऑन ईयर बेस पे भी ये कंपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाते हुए 169 लाख से बढ़ के 2367 लाख पे पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करें हम इसके दूसरे सेगमेंट की, तो ये मेडिकल एंड अदर अप्लायंस में भी काम करते हुए दिखाई देती है और वो फिलहाल ईयर ऑन ईयर बेस पे ही इसका डेटा निकल के सामने आता हुआ दिखाई दिया है, जो कि इसमें गिरावट देखी गई है और मार्च 2023 के क्वार्टर फोर में जो 25 लाख के आसपास था वो फिलहाल 10 लाख के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करें हम इसके
के ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, तो उसमें भी ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। और इसमें न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है, बल्कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है जो कि इसका कोर बिजनेस है, और इसी बिजनेस में ये कंपनी न केवल बड़े बड़े जो है बिजनेसमैनों के साथ इसका अच्छा खासा जो कॉन्ट्रैक्ट है, बल्कि आरबीआई के साथ साथ जो रेलवे है, जो बीएससी है, जो एनएससी है, इन सब भी ये अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट करके बैठी है और इसे लगातार आर्डर पे आर्डर मिलते जा रहे हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके बारे में जो आर्डर निकल के सामने आया है उसे भी देख लेते हैं। देख रहे हैं ये जो ऑर्डर मिला है वो फिलहाल रेलवे का जो ईस्टर्न रेलवे जोन है मालदा डिवीजन से ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये डोमेस्टिक प्रकार का ऑर्डर है, और ये जो डायरेक्ट ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है टेंडर के माध्यम से, और ये जो ऑर्डर पूरा करके देना है ये फिलहाल एक साल के अंदर ये पूरा करके देते हुए दिखाई देना है। और साथ ही साथ ये जो ऑर्डर मिला है फिलहाल 1,47,24,831 रुपये का टोटल आर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। और ये जो आर्डर का डेट यहाँ पे निर्धारित किया गया है वो फिलहाल 14 मई 2024 से निर्धारित किया गया है, अर्थात 14 मई 2024 से ये काम करना शुरू कर देंगे। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इस कंपनी को लगातार आर्डर भी मिल जा रहे हैं, और इसका जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है वो धमाकेदार 5-स्टार रिजल्ट इस कंपनी ने पेश किया है। इसके बाद अब हम चलते देखते हैं कि ये जो धमाकेदार रिजल्ट निकल के सामने आया है उसका मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ा है, मार्केट ने शेयर को कैसे लिया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है वो फिलहाल उसमें 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो चार्ट पैटर्न है वो लगभग 1:30 बजे के आसपास इसमें गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन जैसे ही इसका Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया उसके बाद इसमें अच्छा खासा स्पाइक देखा गया, और ये जो कंपनी है फिलहाल 4-5% के अपर सर्किट में बंद होते हुए दिखाई दी है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी ने Q4 का रिजल्ट पेश किया है उसका मार्केट पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और मार्केट ने इसे आज जो है पॉजिटिव वे में ले लिया है, जिसके बाद इसमें 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। और ये जो कंपनी 48 रुपये के आसपास हो दिखाई दे रही थी वो फिलहाल 52 रुपये के आसपास पहुंचते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो इस कंपनी ने लगभग 7-8% का रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की तो 16-17%, 6 महीने की बात करें तो 39%, जबकि डेल डेट की बात करें तो 55% का रिटर्न निकाल के देता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 200% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी एनएससी पे 2021 में 70.95 रुपये पे, तब से लेके अभी तक ये 200% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और इसके बारे में एक चीज और आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है जो अमृत भारत स्टेशन योजना चलाई जा रही है, जिसमें लगभग 1300 स्टेशनों का रिनोवेशन होना है, उसमें जो भी एलईडी लगनी है, जो भी एलईडी लाइट लगना है, उसमें इस कंपनी का अच्छा खासा भागीदारी होता हुआ दिखाई देने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी देना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।